नीलम चौकी से फोन आ रही चौकी इंचार्ज का, भाई राजेश कालिया ने आपकी कंप्लेंट करवाई, चीफ इंस्पेक्टर की मीटिंग बुलाई थी, मेरे को भी बोला था जिन्होंने सेट्टी आ जाना और आप आ जाना, गए थे मेरे को बोला अंदर पड़ते गट आउट बार, चीफ इंस्पेक्टर की मीटिंग चल रही थी, आप पे ऊंचा नीचा बोलिया जी, आ जा ऊंचा नीचा बहुत तेज बोलिया जी। कौन बोला? राजेश कालिया जी, मेयर हमारे। अच्छा। ये हमारा वाल्मीकि समाज से विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है, सफाई कर्मचारियों का विरोधी है, बिल्कुल सारी समाज का इसने बेड़ा गर्क कर दिया जी। हमने इसकी कंप्लेंट करनी है, कल ने इसने कंप्लेंट करी है, आप ये मैं लिखवाऊंगा, पूरा शहर बंद करेंगे हम कल। मैं बताना चाहता हूँ, जब आज जब मैंने अखबारों के अंदर पढ़ा कि 625 कर्मचारी जो कि अफसरों के घरों में है या 625 कर्मचारी ड्यूटियों पे नहीं आते, तो मुझे बड़ा दुख लगा, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं पहले से ही प्रयासरत था, कि मुझे पहले से मालूम था कि कुछ लोग जो है समाज के ऐसे हैं जिनके घरों के अंदर 5-5 चेक जा रहे हैं और वो उनके बच्चे काम भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी हैं, और मैं क्योंकि इस समाज का अमीर से जो गरीब आदमी है वो गरीब होता जा रहा और अमीर आदमी अमीर होता जा रहा, मुझे चिंता उन लोगों की भी है जो बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं। तो मैं सिर्फ ये घटना इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब मैं समीक्षा मीटिंग ले रहा था तो मैं अधिकारियों को आदेश दे रहा था, तो उसके अंदर क्या आदेश दे रहा था कि यही कह रहा था कि जो भी आदमी अफसरों के घर में है उनको वापस बुलाएं, जो ड्यूटियों पे नहीं आते घर बैठे सैलरी ले रहे हैं उनको वापस बुलाएं, ताकि जो 20 आदमी का काम 10 लोग कर रहे हैं वो उनका काम बढ़ सके, उनके ऊपर भार ना आए। जब मैं इसकी बात कर रहा था तो कोई भी अधिकारी है, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी है, चाहे यूनियन का लीडर है, जो मर्जी है, मैंने एक ही अधिकारियों का आदेश दिया था कि उसकी हाजिरी यदि आएगा तो हाजिरी लगेगी, नहीं तो उसकी एब्सेंट लगाओ। इसी दौड़ के अंदर चड्डा जी को किसी ने मैसेज कर दिया कि ये चीज़ें हो रही हैं, और चड्डा जी धड़ाधड़ यूनियन के जो वहाँ ऊपर मैं जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग अधिकारियों के लिए था ज़बरदस्ती अंदर बढ़ गए, और उन्होंने आते ही धमकाना, मेरे को भी धमकाना चालू कर दिया, डॉक्टर को भी धमकाना चालू कर दिया, और मेरे को इतना धमकाना, इतनी बात करने की कोशिश की कि वो मारने तक मेरे पे चढ़ गया और मुझे कहा कि बाहर आकर देख, तू एब्सेंट लगा कर देख। ये बड़ी दुखद बात है, क्योंकि मेरी लड़ाई समाज से नहीं, मैं तो उन लोगों से लड़ाई है जो घर बैठे सैलरी ले रहे हैं।